भारत में राखी बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है और इस त्योहार को मनाने के पीछे लोग अलग अलग कहानियाँ मानते हैं। माना जाता है कि चित्तौर की रानी ने बहादुर शाह जफर से अपने राज्य को बचाने के लिए मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी थी, जिसे देख हुमायूं भी भावुक हो गए थे और रानी के राज्य को बचाने के लिए भी निकल पड़े थे, लेकिन वो समय पर नहीं पहुंच सके और महल की सभी महिलाओं ने जौहर कर लिया। लेकिन हुमायूं ने भाई होने का कर्तव्य निभाते हुए बहादुर शाह जफर से राज्य को दोबारा जीता और राज्य रानी के बेटे को सौंप दी। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि माता लक्ष्मी ने नारायण को पाताल लोक से वापस लाने के लिए राजा बलि को राखी बांधी थी। दरअसल राजा बलि ने नारायण को अपने साथ प्रार्थना के रूप में पाताल लोक में रहने को कहा था, जिसे नारायण ने स्वीकार किया था। लेकिन माता लक्ष्मी ने नारायण को वापस लाने के लिए एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर बलि को राखी बांध दी और फिर नारायण को अपने साथ ले जाने की मांग की, और तब से ये त्योहार मनाया जाता है।